अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने निर्वाचन नोडल अधिकारी की बैठक ली। बैठक में नोडल अधिकारियों को चुनाव की तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोडल अधिकारियों को निर्वाचन तैयारी संबंधी प्रशिक्षण देते हुए चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि इस बार 80 साल से अधिक बुजुर्ग जो 40% दिव्यांग हैं उन्हें घर से पोस्टल बैलेट मतदान की सुविधा दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोस्टल बैलेट मतदान के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ने का क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि जिन नए मतदाताओं का नाम छूट गया है वह आवेदन कर सकते हैं। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। निर्वाचन को लेकर अभी जो नोडल अधिकारी इत्यादि हैं उनकी ड्यूटीज़ जनपद स्तर पर लगा दी गई हैं, तो उनकी एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी जिसमें सभी नोडल अधिकारियों को अपने स्तर से जो भी कार्रवाइयाँ निर्वाचन की तैयारी के लिए अपने अपने दिए गए दायित्व के संबंध में करनी है उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो अन्य लोग रह गए हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगनी है विभिन्न कार्यों के लिए वो ड्यूटीज़ भी ससमय लग जाएँ इसके निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार के चुनावों के लिए दिए गए हैं जिसमें 80 प्लस से के जो मतदाता हैं 80 साल से ऊपर जिनकी आयु हो गई है और जो दिव्यांग मतदाता हैं जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है यदि वो इच्छुक होते हैं अपने घर से मतदान करने के लिए तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी, तो उसके संबंध में भी तैयारियां किए जाने के निर्देश नोडल अधिकारियों को प्रदान कर दिए गए हैं। अभी संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जनपद में 30 तारीख तक चला है, उसमें लगभग 18,000 से ज़्यादा हमारे पास आवेदन फॉर्म 6, 7, 8, 8A के रूप में प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में भी जो नए मतदाता जो जिनके एपिक कार्ड बनने से छूट गए हैं या निर्वाचक नामावली में जिनका नाम अंकित नहीं है वो अपने कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 भरकर अपने BLO को अभी भी जमा करा सकते हैं, उसको लिया जा रहा है।